हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे ML4 कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। ये L&T कंपनी का ML4 कॉन्ट्रैक्टर है। इसमें ऊपर के पावर कॉन्ट्रैक्टर हैं, तीन इनपुट टर्मिनल हैं L1, L2, L3 और नीचे आउटपुट टर्मिनल हैं T1, T2, T3 आप देख सकते हैं। और इसके नीचे कॉइल के दो टर्मिनल हैं। कॉइल पे आपको दिखा देते हैं, ये A1 टर्मिनल है जो इसकी सप्लाई कॉइल को सप्लाई जाएगी, वो ये A1 टर्मिनल है। और मैं इसका दूसरा टर्मिनल दिखा देता हूँ कॉइल का, फ्रेंड्स ये A2 टर्मिनल है, ये कॉइल की सप्लाई के लिए। यहाँ पर जैसे A1 और A2 पे कॉइल अलग अलग कॉइल वोल्टेज के आते हैं कॉन्ट्रैक्टर, जैसे 110 वोल्ट हो गया, 220 वोल्ट हो गया, 415 वोल्ट कंट्रोल सप्लाई या 48 वोल्ट कंट्रोल सप्लाई के कॉन्ट्रैक्टर आते हैं इसमें। तो ये अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो T1 L1 पे सप्लाई होगी वो T1 पे आएगी, जो L2 पे सप्लाई होगी वो T2 पे आएगी, और जो L3 पे होगी सप्लाई वो T3 पर आएगी। ये थ्री फेज कॉन्ट्रैक्टर है। इसमें RYB जैसे आप L1 L2 L3 पे दे देते हैं तो इसका आउटपुट T1 T2 T3 पे आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स, ये 70 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच में करंट को बियर कर सकता है। ये एक बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर है फ्रेंड्स। इसके मेनली यही ऊपर 6 टर्मिनल होते हैं, पावर कॉन्टैक्ट होते हैं L1 L2 L3 और T1 T2 T3 आउटपुट टर्मिनल है। और कॉइल का जो सप्लाई, दो टर्मिनल होते हैं कॉइल की सप्लाई के लिए, इसमें A1 और A2 जो इस कॉन्ट्रैक्टर को पिकअप कराते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होता है तब L1 वाली सप्लाई T1 पे, L2 वाली T2 पे और L3 वाली T3 पे ट्रांसफ़र हो जाती है। और जब ये इनर्जाइज नहीं होता तो ये L1 T1 L2 T2 L3 T3 आपस में ओपन होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा लार्सन एंड टर्बो कंपनी का L&T का बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, ML4 कॉन्ट्रैक्टर। ऐसे का ML3 कॉन्ट्रैक्टर भी आता है और ML2 भी आता है, लेकिन उसकी बियरिंग कैपेसिटी, करंट बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, उसकी वाटेज कम होती है, इसमें इसकी वाटेज ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, अलग अलग लोड के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर यूज़ होते हैं। जो कम लोड के लिए छोटे कॉन्ट्रैक्टर यूज़ होते हैं और हैवी लोड के लिए बड़े कॉन्ट्रैक्टर यूज़ होते हैं। जैसे ML2 भी आता है, ML3 आता है, ML4 आता है, ML8 आता है, ML10 आता है, ML12 आता है। तो जितना लोड होता है उसके हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं। इसके कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही अच्छे कॉपर कॉन्ट्रैक्ट हैं, बहुत ही हैवी कॉपर कॉन्ट्रैक्ट का बना हुआ है और इसकी कॉइल भी कॉपर की कॉइल होती है। ये बहुत ही अच्छी अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है फ्रेंड्स। कॉन्ट्रैक्टर खरीदते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका लोड कितना है उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर खरीदिएगा। दूसरा, आपकी कंट्रोल सप्लाई कितनी है, क्योंकि जितनी कंट्रोल सप्लाई का आपको कॉन्ट्रैक्टर लेना होगा तो उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। इसमें जैसे 110 वोल्ट, 220 वोल्ट या 415 वोल्ट के आते हैं, 48 वोल्ट के आते हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा कंट्रोल सप्लाई कितनी है आपको, उतनी कॉइल वोल्टेज का कॉन्ट्रैक्टर लीजिएगा। और आप अपना लोड देख लीजिएगा कितना है, उसी हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करिएगा फ्रेंड्स। इसकी बाकी डिटेल और इसकी बाइंग लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप चाहें तो उसको आप उसकी डिटेल को देख सकते हैं और उसके चाहें तो उसकी बाइंग लिंक से आप बाय भी कर सकते हैं।